हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में, और मैं हूं रोशन यादव। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 3 तक बन चुका है। और आज हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है, माना कि आई अंतराल है जो -1, 1 से असंयुक्त है, दिखाई दे कि फलन f जो fx बराबर x+1/x से प्रदत्त है, आई में निरंतर वर्धमान है। यानी यहां ध्यान दीजिए आप लोग, fx बराबर ये दिया है x+1/x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा f'x, x का डीसी 1 प्लस, आप लोग एक बात जानते हैं, 1/x का डीसी होता है -1/x2, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1/x2 बराबर 0। तो चलिए यहां देखिए, बराबर के बाद आ जाएगा प्लस में 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 1 से और 1 में 1 से, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर रूट में 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। यहां ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सिएशन ये आपका हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहां -1 यहां +1। ध्यान दीजिए, -1 से छोटा कोई संख्या रखना है तो -2 को रखते हैं, जब यहां -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर +4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 में से 3/4 आएगा, यानी यहां पॉजिटिव होगा और ये असंयुक्त है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है। 1 से 12 कोई संख्या लीजिए, तो 1 से 12 कोई संख्या 2 रखेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर 4, ये भी आएगा पॉजिटिव। तो यहां हम लिख सकते हैं कि निरंतर वर्धमान -1, 1 पर, देखिए प्लस वाला होता है -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर +∞ तक, यही आपको सिद्ध करना था, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। तो यहां देखिए, जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि f(x)-3 द्वारा प्रदत्त फलन r में निरंतर वर्धमान है। तो f(x)-3 सॉल्यूशन में हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डीसी f'(x) और 7x का डीसी 7 हो जाएगा, 3 का डीसी 0 हो जाएगा। तो दिया गया फलन f(x) किसी भी वास्तविक संख्या के लिए निरंतर वर्धमान है, क्योंकि f'(x) का मान जो होगा पॉजिटिव होगा, यही हमको सिद्ध करना है। और r का मतलब होता है रियल नंबर, यानी रियल नंबर का मतलब वो वास्तविक संख्या। अगर यहाँ x तो है नहीं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये निरंतर वर्धमान फलन है। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि f(x) बराबर x³ - 6x² + 12x - 18 r में वर्धमान फलन है, r का मतलब रियल नंबर। तो f(x) बराबर x³ - 6x² + 12 - 18 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी f'(x) बराबर ये हो जाएगा 3x² - 12x + 12। अब यहां देखिए, f'(x) बराबर सब में से 3 कॉमन करेंगे तो x² - 4x + 4, f'(x) बराबर ये 3 हो गया। ये एक फॉर्मूला है x-2² यानी a-b² तो a² - 2ab, तो 4 हो जाएगा, प्लस b² तो 2² = 4 हो जाएगा। यानी इसके बाद हम, आप चाहिएगा तो 0 के बराबर करके x का मान निकाल सकते हैं, उस तरह भी आप प्रूफ कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप समझ सकते हैं हेयर, यानी हेयर मतलब यहां f(x) पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, यानी f(x) f'(x) का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। क्योंकि यहां देखिए, अगर आप 1 रखिएगा तो ये घटेगा तो -1 होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आ गया। सो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये प्रूफ हो गया। आप लोग जानते हैं कि प्लस आएगा
तो इंक्रीजिंग होगा, आप माइनस आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। आपका इच्छा है तो आप साइन पर इसको कन्वर्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उस तरह भी यही आएगा, यही आपका आंसर हो गया। यहां देखिए जो सात नंबर क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 15x² प्लस 75x-50 आर में वर्धमान फलन है। तो यहां देखिए एफ एक्स बराबर इसको हम लिखते हैं एक्स क्यू माइनस 15x² प्लस 75x-50 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स 3x² माइनस 30x प्लस 75 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर हम 3 कॉमन करते हैं तो x² माइनस 10x हो जाएगा प्लस 25। यहां ध्यान दीजिए एक सेकेंड, यहां 15 दुना 30 है तो यहां 10 ठीक है। अब यहां देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे यानी x² माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0, ये गुना में है तो भाग में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। x² माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0, ये आ गया द्विघात समीकरण। 25 से कम 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 10, गुना करने पर 25, तो 5 और 5 हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25 बराबर 0। तो x कॉमन करेंगे तो जाएगा x माइनस 5 माइनस 5 हो गया, अगर 5 पी तो फिर बचेगा x माइनस 5 बराबर 0 यानी x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 बराबर 0। x का मान 5 एक आएगा एक और 5, तो यहां देखिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सिएशन ये आपका हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, ये होगा माइनस, यहाँ एक 5 रख दीजिए, 5 से छोटा कोई वैल्यू लीजिए, चलिए आप 1 को लेते हैं तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 30 एकम 30, 75 78 में से 30 घटेगा पॉजिटिव आएगा, और 5 से 12 कोई संख्या लीजिए तो देखिए 5 से 12 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 दिया 108, 108 और इसको जोड़ेंगे 75 तो 183, 30 में 6 से गुना कर तो 180 होगा, यानी ये भी आएगा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यही हमको सिद्ध करना था, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि फलन एफ जो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x, एक्स एलिमेंट है आर से प्रदत्त है आर में वर्धमान फलन, देखिए आपको दिखाना है, यानी कि यहां देखिए एफ एक्स बराबर जो दिया है उसको लिखते हैं एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स 3x² माइनस 6x प्लस 3, इसमें 3 कॉमन कर लीजिए तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये गुना में तो भाग में जाएगा तो बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। आ गया द्विघात समीकरण, 1 के कम 1, 1 के ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2 और गुना करने पर 1, तो हो जाएगा x² माइनस x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन कीजिए तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 और फिर 1 आएगा। यहां देखिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सिएशन ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये होगा माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ एक को रखते हैं, एक से छोटा कोई संख्या लीजिए तो जीरो लेंगे, ये भी जीरो, यहाँ भी जीरो होगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 3 बचेगा प्लस में, एक से बड़ा कोई संख्या, 2 को लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 6 दुना 12, ये भी कट जाएगा फिर प्लस आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि हेयर एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर रियल नंबर
देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, सो एफएक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। ये आपको सिद्ध करना था। यहां देखिए जो 9 का एक नंबर क्वेश्चन दिया है, fx बराबर 3x प्लस 17, सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये f डैश x हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा, यानी दिया गया फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि f डैश x का मान पॉजिटिव है, x तो है नहीं कि आप कोई उसमें वैल्यू रखिएगा, इसी को आपको प्रूव करना है, खाली इसको समझ लेना है। जो 9 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, fx बराबर e के पावर 2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये हो जाएगा f डैश x बराबर 2e के पावर 2x, ये भी दिया गया फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव, यानी ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि fx बराबर cos x, यानी कि यहां दिया है fx बराबर cos x 0 पाई में ह्रासमान फलन है, तथा साथ ही अभी दिखाइए कि एक नंबर जो क्वेश्चन दिया है 0 पाई में निरंतर ह्रासमान है, इसको हल करते हैं पहले, यानी कि 0 पाई इसका इंटरवल दिया, इसमें कह रहा है ह्रासमान है, आपको शो करना है, तो यहां देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन पर इसको चेक करते हैं, प्लस इन्फिनिटिव ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 0 होगा यहाँ पाई हो जाएगा, इसके बीच आपको चेक करना है कि ये ह्रासमान है कि नहीं, आपको दिखाना है। चलिए पाई और 0 के बीच में हम रखते हैं एक संख्या पाई बाई 2 को, जब यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो उसका मान तो होगा प्लस, लेकिन यहाँ है माइनस, यानी ये हो जाएगा आपका निगेटिव। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, दिस फंक्शन This function is negative interval 0 pi, यानी यह function जो है negative है 0 pi के बीच में, so fx is decreasing function, यही हमको सिद्ध करना था, आपका answer हो गया। देखिए जो 10 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये बोला है पाई 2 पाई में एफ निरंतर वर्धमान है, यानी इसका अंतर है पाई और 2 पाई, सेम बनाएंगे उसी तरह डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहां देखिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्सिएशन ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहां ध्यान दीजिए ये पाई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 पाई, इधर आप बढ़ा कर लिख सकते हैं प्लस इन्फिनिटी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए इसके बीच हमको चेक करना है, दिखाना है कि ये क्या आ रहा है, यानी कि ये आपका वर्धमान है, तो 2 पाई का मतलब 360 हो गया, इसका मतलब 180 हो गया, इसके बीच कोई संख्या लीजिए, तो हम 270 को रखते हैं, जब यहाँ साइन में 270 रखिएगा तो इसका मान निगेटिव आएगा, क्योंकि चतुर्थांश के अनुसार इसमें ऑल पॉजिटिव होता है 0 से लेकर 90 तक, यहाँ 90 से 180 तक साइन वाला होता है पॉजिटिव, इसके बाद वाला ऑल साइन इसमें 10 हो जाएगा, इसमें कॉस हो जाएगा, तो यहाँ इसका 180 से 270 हो जाएगा, ये 270 से 360 हो जाएगा, यानी हम जब इसमें 270 इसका वैल्यू रखते हैं तो निगेटिव आएगा, ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, इसके बीच इंटरवल होगा, तो हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज पॉजिटिव इंटरवल पाई टू पाई के बीच, सो एफएक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यही हमको सिद्ध करना था, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगर पहले बार आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।